दुनिया के बारे में सोचते हैं तो कई तरह के सवाल मन में आते हैं। हम कौन हैं? दुनिया को किसने बनाया? भगवान क्या है? हिंदू धर्म के अनुसार सब कुछ शिव ने बनाया है। सबसे पहले हैं वो। शिव के अलग अलग नाम का वर्णन कुछ इस तरह से है। जब हम शिव कहते हैं तो वह उस ईश्वर की बात होती है जिसका कोई आकार नहीं है, और जब हम सदा शिव शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो उस ईश्वर की बात होती है जो महान है आत्मा से, और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो वह सती या पार्वती के पति महादेव की बात होती है। बस हम सब यही भेद नहीं कर पाते हैं और सभी को एक ही मान लेते हैं। अक्सर भगवान शंकर को शिव भी कहते हैं। मनुष्य के मन में एक के बाद एक सवाल आते रहते हैं। अब अगर दुनिया शिव ने बनाई है तो शिव कहाँ से आए? उनका जन्म कैसे हुआ? शिव पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव और पराशक्ति अंबिका से ही भगवान शंकर की उत्पत्ति मानी गई है। अंबिका पार्वती या सती नहीं है, ये उनसे अलग हैं। उस अंबिका को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु और महेश की माता नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की आठ भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती हैं। वह शक्ति की देवी काल रूप सदाशिव की अर्धांगनी दुर्गा है। इस धरती के संचालन के लिए हिंदू धर्म के अनुसार जितना शिव जरूरी है उतना ही पालनहार विष्णु और जन्मदाता ब्रह्मा भी जरूरी है। तो ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई? एक बार काशी के आनंद रूप वन में घूमते समय सदाशिव और दुर्गा की यह इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि निर्माण का कार्यभार रखकर हम मोक्ष धारण करें। इसलिए उन्होंने वामांग से विष्णु को प्रकट किया। इसलिए विष्णु के माता और पिता काल रूपी सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा हैं। विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने ब्रह्मा जी को अपने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही उन्हें विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में ब्रह्मा का जन्म हुआ। इस अनुसार ब्रह्मा के पिता विष्णु हुए। एक बार एक मुनि ने भगवान शिव से उनके माता पिता का परिचय पूछा। भगवान शिव ने कहा, हे मुनिवर, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा हैं। मुझे इस सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने जन्म दिया है। इसके बाद ऋषियों ने एक बार फिर भगवान शंकर से पूछा कि यदि वे आपके पिता हैं तो आपके दादा कौन हुए? तब शिव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु ही मेरे दादाजी हैं। भगवान की इस लीला से अनजान ऋषियों ने फिर से एक और प्रश्न किया, जब आपके पिता ब्रह्मा हैं, दादा विष्णु, तो आपके परदादा कौन हैं? तब शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि स्वयं भगवान शिव। भगवान शिव के इस लीलामय जन्म की गाथा को अगर आप गौर से देखेंगे तो यह एक चक्र के रूप में दिखाई देगा।
यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश के जन्मदाता काल रूपी सदाशिव और दुर्गा हैं। अब हम यह जानेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था। उस काल रूपी ब्रह्मा सदाशिव ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह मोक्ष का स्थान है। यहाँ शक्ति और शिव अर्थात काल रूपी ब्रह्मा सदाशिव और दुर्गा यहाँ पति और पत्नी के रूप में निवास करते हैं। यहीं पर जगत जननी ने शंकर को जन्म दिया। इस मनोरम स्थान काशीपुरी को प्रलय काल में भी शिव और शिवा ने अपने सानिध्य से कभी मुक्त नहीं किया था।